हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, 3.3 अब चलते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था पहले चैप्टर के अंदर ग्राफिकल मेथड पढ़ा आपने, ग्राफिक विधि जाना, और ग्राफ के बाद हम जानेंगे एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक को क्या बोलते हैं? ब्रिज गणितीय। हाँ, इसमें दो मेथड पढ़ने थे आपको, प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। इंग्लिश मीडियम के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। आप चाहे किस, तीन मेथड होते हैं, लेकिन तीसरा मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बिल्कुल कट चुका है, उसे क्रॉस कर देना। ठीक है, सिर्फ कितने मेथड पढ़ना है दोनों बच्चों को? दो ही, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। आप किसी भी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर कैसा आएगा बेटा? बिल्कुल एक जैसा आएगा, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं है। आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा दोनों मेथड से, फिर आप खुद ही फील करोगे कौन सा मेथड आपको इजी लगा और कौन सा मुश्किल लगा। ध्यान समझना, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर दे रखा बेटा 4। x प्लस वाई 10 ले लिया, 2। और यही सेम क्वेश्चन मैं यहां पे भी लिखता हूँ, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। दो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। आपको यहां ध्यान देना है, सबसे पहले इक्वेशन 1 को दोबारा कॉपी करेंगे, x प्लस वाई इजिकल टू 10। एक एक स्टेप पे ध्यान नजर करना, x इजिकल टू ये प्लस वाला y इधर जाकर कैसा हो जाएगा? समझ में आया सबको? जो प्लस वाला था कैसा चला गया? माइनस में। अब देखो x की वैल्यू क्या गई है, 10 माइनस वाई, आया ना? दिखाई दे रहा है, मैंने कहां से निकाली x की वैल्यू? ये समीकरण 1 से, आया ना? मैंने इक्वेशन फर्स्ट को दोबारा लिखा और x का मान निकाला, इसे कहां रख दूंगा? समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। मैंने अब इसे x की वैल्यू रख दूंगा 2 में, इस जगह। तो देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है, उस पर लिख लेते हैं, लिख दिया। x के क्या लिख देंगे? 10 माइनस वाई माइनस वाई इजिकल टू 2। कोई डाउट आता तो बताओ, किसी को डाउट आता नहीं है? माइनस वाई और माइनस वाई कितना होता है? 2 2। हाँ भाई, तुम बताओ 2y। साइन कैसा आएगा? माइनस 2y। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये प्लस 10 इधर जाएगा कैसा हो जाएगा? माइनस 10। माइनस 8 माइनस 2y माइनस माइनस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 4। आपके पास y का मान कितना गया? 4। अब ये y का मान उठा के यहाँ रख दोगे तो क्या x का मान नहीं आ जाएगा? आ जाएगा 6। मुश्किल था, इसी था। क्या नाम है इस विधि का? सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। किसको समझ में नहीं आई विधि? आ गई है। अब एक बार और नोटिस करना, आपने इस विधि से आंसर क्या निकाला? x का मान आया 6 और y का मान आया 4। अब मैं इस वाले मेथड से करूंगा, देखा सेम आंसर आएगा। अब देख समझो कैसे। एक बात और नोटिस करना, जो बच्चे YouTube में वीडियो देखते हैं उनको सबसे कहना चाहूंगा, तो पेपर में अगर मेथड लिखा नहीं आया, पेपर में मेथड लिखा नहीं आया, तो आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो, लेकिन अगर पेपर में मेथड लिखा आ गया कि इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से करना है तो सब्स्टिट्यूशन से ही करना, एलिमिनेशन लिखा गया तो एलिमिनेशन से ही करना, अदरवाइज कुछ लिखा नहीं है तो जिस मर्जी तुम्हारा दिल करे उससे कर सकते हो, उससे कर सकते हो। यहां नोटिस करना एक बात, देखो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, यहां पर एक्स वाला या वाई वाला किसी एक की बात करते हैं, मुझे किसी एक को इनमें से एलिमिनेट करना है, हटाना है। क्या करना है? हटाना है। ठीक, हटाने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों तरफ सेम वैल्यूज होनी चाहिए, चाहे वो एक्स की हो चाहे वो वाई की हो, बात एक ही होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि यहां पर एक्स के साथ क्या है? 1। यहां पर एक्स के साथ क्या है? 1। काम चल सकता है। इक्वेशन फर्स्ट में से मैं सेकंड वाले को माइनस कर दूंगा, तो को जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाले के, हाँ या ना? हाँ। ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, कट गया। एक वाई और एक वाई बेटा यहां से, अब देखो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू खत्म। कई बच्चे क्या करते हैं, वो इसकी वैल्यू रखते हैं, वो माइनस देखते हैं, नहीं। अब आपके लिए बेटा माइनस की वैल्यू नहीं है, अब आपके किसकी वैल्यू है? प्लस। एक वाई और एक वाई कितना होता है?
दो वाई, तो क्या लिख दूंगा मैं पर टू वाई। अब देखो दस में से दो गया माइनस टू कितना आएगा आठ आएगा, टेन में से टू गया तो एट बचेगा, y इक्वल टू एट बाई टू कितना आ जाएगा, चेक कर लो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये y की वैल्यू निकल चुकी है इसे कहाँ रख देंगे पुटिंग इन इक्वेशन वन, समीकरण एक में रखने पर यहाँ रख देंगे y की जगह, तो x प्लस फोर इजिकल टू टेन, क्या आएगा x का मान, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों टेन माइनस फोर सिक्स, किसको समझ में नहीं आया आ क्या दोनों सेम था, हाँ। सेम वैल्यूज आ रही है, हाँ। इजी कौन सा लग रहा है, हाँ। दोनों एलिमिनेशन मेथड, हाँ। तो देखो अगर आप एलिमिनेशन मेथड पकड़ अच्छी कर लोगे तो आपको मेरे को लगता है ये वादा ज़्यादा इजी रहेगा बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है वैल्यू निकालो फिर पुट करो फिर आंसर निकालो, बट ये इजी एक फटाफट कट भी जाता है, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा बच्चों के लिए, तो अभी कॉपी करो इसे। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और करवाते हैं इन दोनों मेथड के बीच में जो डिफरेंस करने के लिए, एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको डिस्कस किया, किसी को डाउट मन में उसके अंदर नहीं, अब तो थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल और समझना, जिस क्वेश्चन में नहीं आया वो पूरा फोकस यहाँ रखना आप समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में तब भी दोबारा बता देना मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। और जो बच्चे हमारी वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं मैं बार बार कहता हूँ बेटा कमेंट किया करो डाउट पूछा करो, जिसको समझ में नहीं आता है ये चैनल से आप बच्चों के लिए है, ये बात हर बार बोलता हूँ बोलता हूँ, तो कमेंट किया करो डाउट पूछा करो, नहीं समझ में आ रहा 10 बार बताऊंगा आपको मैं, तो जिसको पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया कहीं डाउट रह गया तो एक क्वेश्चन और छोटा सा देखते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन क्या लिखा है, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इजिकल टू टेन, टू एक्स माइनस टू वाई इजिकल टू टू, इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर टू। अब ध्यान से समझना, वन को दोबारा लिखेंगे, वन को ध्यान देना, ये प्लस फोर वाई बच्चों इधर जाएगा कैसा हो जाएगा, टेन माइनस फोर वाई, अब यहाँ तक कोई डाउट मन में, थ्री कहाँ पर है इसके मल्टीप्लाई में, मल्टी वाई मल्टीप्लाई में जो होता है वो कहाँ जाता है, भाग में, वेरी गुड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, टेन माइनस फोर वाई अपॉन में थ्री, कोई डाउट यहाँ तक। अब जो ये x की वैल्यू निकल गई है ये मैंने कहाँ से निकाली है, इक्वेशन फर्स्ट से, तो कहाँ जाकर रखूँगा इक्वेशन सेकेंड, ये बात समझ में आ रही है, फर्स्ट से निकली हुई वैल्यू सेकंड में रखते हैं और सेकंड से निकाली गई वैल्यू फर्स्ट, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, आपको हमेशा फर्स्ट से ही बात करनी है, किससे बात करोगे हमेशा फर्स्ट से, फर्स्ट वाला कॉपी करोगे एक्स का मान निकाल लोगे, सिंपल था मुश्किल था, समझ में आया, क्या लिख दूंगा यहाँ पर मैं पुटिंग इन इक्वेशन नंबर टू, इस जगह पुट कर दो तो टू एक्स की जगह रख देंगे टेन माइनस फोर वाई अपॉन में थ्री माइनस टू वाई अपॉन में वन इज इक्वल टू टू, किसी के मन में डाउट आता है क्या कह रहे हो, इसे काटेंगे क्यों नहीं, कहाँ पर काटने वाले बात कर रहे हो आप, इनको बेटा कुछ कॉमन दिख रहा ऊपर नहीं, क्या टेन थ्री से कट सकता है क्या, अगर मैं अलग अलग भी कर दूँ कटेगा कि नहीं कटेगा, अगर कुछ कॉमन ले पाता तो मैं लेकर टू थ्री से डिवाइड कर देता वो कटेगा ही नहीं, ऊपर से टू कॉमन भी ले लूँ तो क्या फ़ायदा, डिवाइड हो तब डिवाइड किया जाता है। आगे ध्यान देना, टू टेन जा टू टेन जा फाइव, मतलब टू टेन जा ट्वेंटी, टू टेन जा ट्वेंटी, टू फोर जा एट, तुम वही बच्चे हो जिन्होंने दो साल से बुक नहीं खोली है, डिवाइड बाय थ्री माइनस टू वाई अपॉन में वन, देखो थ्री और वन का एलसीएम कितना आएगा, थ्री थ्री के टाइम थ्री कब आता है वन पे, वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम कॉपी कर देंगे माइनस, बेटा वन के टाइम थ्री कब आता है थ्री पे, थ्री टू जा सिक्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगी, एलसीएम लेना आता है सबको ऐसा, कोई डाउट यहाँ तक, ये एलसीएम तो था बेटा क्या था ये ये कितना आ जाएगा माइनस फोर्टीन वाई और ट्वेंटी का ट्वेंटी, बेटा थ्री टू जा डिवाइड वाला इनटू में तो थ्री टू जा क्या हो जाएगा ये सिक्स। अभी हम यही बात कर लेते हैं जगह का आप थोड़ा सा कमी है, तो देखो माइनस फोर्टीन वाई इज इक्वल टू ये प्लस ट्वेंटी तो जाएगा कैसा हो जाएगा माइनस, ठीक है सिक्स माइनस ट्वेंटी क्या आएगा इस जगह, क्या आएगा बेटा इस जगह फोर्टीन प्लस है माइनस का, माइनस का, वेरी गुड माइनस फोर्टीन, माइनस है माइनस, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर्टीन बाई फोर्टीन
ए। अब जो वाई का मान आ चुका है इसे कहाँ रख देंगे, इस जगह। तो एक्स बराबर टेन माइनस फोर मल्टीप्लाई वन बाय थ्री, टेन का टेन फोर बन जा, टेन में से फोर क्या सिक्स, सिक्स को तीन से डिवाइड करूँ तो x का मान 2 आ रहा है और y का मान 1 आ रहा है। ये आपने कौन सा मेथड सीखा अभी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। अब इसी क्वेश्चन को मैं किससे कराऊंगा, विलोपन। लेकिन इस मेथड में कोई डाउट किसी मन में, इस सेम क्वेश्चन को कौन से मेथड से करने वाले हम, एलिमिनेशन मेथड से, किससे करेंगे, विलोपन विधि। एक बात बताओ मुझे आप, हमेशा x को ध्यान देना, बस किसको ध्यान देना बेटा, हमेशा कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है, कभी गलती नहीं करो, किसको ध्यान दोगे हमेशा, x को। x के साथ क्या दिख रहा है यहाँ पर, थ्री। नीचे में क्या दिख रहा है, टू। क्या सेम है, नो। आपने जो पहले वाला क्वेश्चन सीखा था उसमें क्या दोनों सेम थे, yes. वो भी x, नीचे वाला भी x, काम चल गया, हाँ या ना, yes. क्या यहाँ काम चल पा रहा है, no. अरे हाँ या ना तो बोलो, काम चल no. पा रहा है, no. नहीं। अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे यहाँ पर दोनों बराबर हो जाए, मतलब जो डिजिट यहाँ आए वो डिजिट मेरी यहाँ आ जाए। ऐसा करने के लिए कॉपी किताब बंद कर दो पहले तो, और उस पर ध्यान देना। नीचे क्या लिखा बेटा, दो तीन से मिल, दो से मल्टीप्लाई इसे कर दो, ठीक है। नीचे क्या लिखा था, दो ना, दो से मल्टीप्लाई क्वेश्चन फर्स्ट को कर देंगे, और यहाँ पर क्या है, तीन, तीन से मल्टीप्लाई इसे कर देंगे। कोई तो डाउट मन में, क्या बताया मैंने, दोबारा देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, दो। अगर दो को मल्टीप्लाई कर दूँ क्वेश्चन फर्स्ट से, और यहाँ पे क्या दे रखा है, तीन, और तीन को मल्टीप्लाई कर दूँ क्वेश्चन नंबर टू से। ऐसा करने से क्या होगा, दो को तीन से करेंगे कितना आ जाएगा, छः। टू को फोर से करेंगे, एट, और टू टेन जा ट्वेंटी। बैठ जा बेटा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बोलना मत, बैठ जा। थ्री को टू से करो सिक्स, और थ्री को टू से करेंगे सिक्स, और थ्री टू जा सिक्स। कोई डाउट मन में, यहाँ तक एक स्टेप तो को समझा आ गया कि सर अगर इक्वल करना हो तो क्या करना पड़ता है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट, हाँ है ना बेटा। पूरे इक्वेशन को हमने टू से मल्टीप्लाई किया है, पूरे वाले को कैसे देखो, टू थ्री जा टू फोर जा और टू टेन जा, समझ में आ रहा है। और नीचे वाली जो इक्वेशन टू है उसे थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री टू जा और थ्री टू जा सिक्स, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, एट वाई प्लस सिक्स वाई क्या आएगा, हाँ भाई क्या आएगा, एट वाई प्लस सिक्स वाई फोर्टीन वाई, बहुत बढ़िया। ट्वेंटी में से सिक्स गया तो फोर्टीन, सिर्फ फोर्टीन बेटा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। और जब एक्स की वाई की निकल चुकी है तो यहाँ रख देंगे, थ्री एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई वन इजिकल टू में टेन, थ्री एक्स की जगह फोर बन जा, ये प्लस का माइनस, तो टेन माइनस फोर सिक्स, थ्री मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में जाएगा, क्या बचेगा, टू। चेक करो ये आंसर नहीं आ रहा था पीछे, एक्स का मान टू और वाई का मान वन। अभी किसी बच्चे के मन में कोई डाउट यहाँ तक, पक्का समझ में आया, दोनों को सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस वाले नंबर को इस वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई और इस वाले नंबर से इस वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई, ठीक है। जहाँ तक डाउट है कोई नहीं है बेटा, फोर को वन से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, फोर। ये प्लस फोर दो जाएगा कैसा हो जाएगा, माइनस, टाइम में से फोर गया सिक्स, सिक्स को थ्री से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, टू। अब जिन बच्चों से पूछा जाए वही जवाब देगा केवल, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, हाँ भाई एक्स को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम बताओ बेटा, यहाँ पर मुझे x को इक्वल करना है, ऐसा क्या करूँ ताकि दोनों x इक्वल हो जाए, तुम बताओ बेटा, हाँ आप कह रहे हो कि सर छः से इसे मल्टीप्लाई कर दो, थ्री से इसे कर दो, ये कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन एक तरीका और भी तो बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, थ्री, ये भी कर सकते हो।
यहाँ पे क्या लिखा है? तो अगर मैं सिर्फ इसी वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 2 जा, ये तो ऑलरेडी 6 है, तब नहीं कट जाएगा? समझ में आया लॉजिक? हाँ या ना? तो जरूरी नहीं है कि दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़े, किसी एक में मल्टीप्लाई करके काम चल सकता है, ठीक है? वो आपको लॉजिक देखना पड़ेगा, बात क्लियर है? अगर दोनों में कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा, बेफिक्र रहना, लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई बेटा इस वाले को कर दोगे तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखो 2 से करेंगे 3 को तो क्या आएगा? 6, और 2 4 जा 2 5 जा 10। नीचे वाला सेम कॉपी पेस्ट, क्या करेंगे? साइन चेंज, कट जाएगा प्लस 8 प्लस 2 10, 10 में से 20 गया बेटा माइनस 10, क्योंकि 20 बड़ी संख्या है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 10 अपॉन में 10 माइनस 1। अभी माइनस 1 आ गया, इसे उठा के यहाँ रख देना तो x आ जाएगा 3x माइनस 4 बेटा प्लस माइनस ये माइनस का कैसा हो जाएगा? प्लस 9। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 9/3 3। कोई डाउट किसी मन में? अब डाउट क्लियर हो किसी के बच्चे को? तो अगर दोनों को इक्वल करना हो तो क्या करते हैं? सिंपली इस वाले नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर नंबर से नीचे मल्टीप्लाई। बट आपको दिमाग लगाना है कि अगर मैं एक बार मल्टीप्लाई करूँ तब भी क्या काम चल सकता है, ठीक है? तो मैंने देखा काम चल सकता है, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में एक बार मल्टीप्लाई करने से काम चल जाता? नहीं। अगर तुम सिर्फ इसी को 2 से करो तो 2 3 6 या तो सिर्फ 2 ही रहता, काम चलता? नहीं। यहाँ अगर 6 होता ना बेटा तो काम चल जाता, बात क्लियर है? इसे नोट करो, फिर हम चलते हैं 3.3 की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। इसे कॉपी करो।